हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे एक अंडरवैल्यूड शेयर के बारे में जिसमें आज मार्केट में गिरावट थी, फिर भी ये शेयर प्लस में क्लोज हुआ। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल्स एक्सेलेंट है, शेयर का आरएसआई भी काफ़ी एडजस्ट हो चुका है और शेयर अभी यहाँ से ऊपर जाने के लिए तैयार है। और आज मार्केट में गिरावट के बावजूद भी ये शेयर 2.50% का प्लस में क्लोजिंग दिया है। कंपनी अंडरवैल्यूड है और आने वाले दिनों में और भी तेजी दिखा सकता है। आइए जानते हैं इस कंपनी के बारे में। उसके पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए जैकपॉट शेयर या आप चाहते हो आपका पोर्टफोलियो हम लोग हैंडल करें तो उसके लिए व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, मैं जो कंपनी की बात कर रहा हूँ ये फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का और इन्वेस्टमेंट करने का कंपनी काम करती है। तो टोटली कॉमोडिटी, स्टॉक्स एंड नॉन बैंकिंग सेक्टर में कंपनी काम करती है। इसका आज का रेट था 358 रुपीज़ एंड 52 भी खाया था 399 रुपीज़। पी है ओनली 11 का, ईपीएस है 31 का। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये अंडरवैल्यूड क्यों है, क्योंकि काफ़ी सस्ते पी पर मिल रहा है और ईपीएस भी काफ़ी स्ट्रांग है 31 का है, जबकि रेट है ओनली 358 रुपीज़। डेट टू इक्विटी रेशो है 0.40। कंपनी पे डेट भी काफ़ी कम है। कंपनी का आरओसी है 26%, आरओई है 20%, वो कि दोनों भी काफ़ी शानदार है। प्रोमोटर होल्डिंग भी धमाकेदार है, 74.80% का प्रोमोटर होल्डिंग है। प्रोमोटर अपने शेयर बेचने को तैयार नहीं है। एफआईआई डीआई का कोई होल्डिंग इसमें नहीं है। बात करेंगे क्वार्टरली परफॉर्मेंस के बारे में। तो मार्च 2022 में प्रॉफिट था 14 करोड़, दिसंबर 2022 में था 19 करोड़ और मार्च 2023 में आया 17 करोड़। क्वार्टर वन भी अच्छा आने की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे इनका रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, 81 करोड़, 87 करोड़, 91 करोड़। तो जून में अगर रेवेन्यू बढ़कर आया, प्रॉफिट बढ़कर आया, तो शेयर में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी और शेयर अभी भी तेज़ी के मूड में है। और इसीलिए आप इस शेयर को कंसिडर कर सकते हो, जो कि ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा अंडरवैल्यूड है। ओनली 11 के पी पर मिल रहा है, 11 के पी पर मिल रहा है। कंपनी का नाम है मास्टर ट्रस्ट लिमिटेड, जिसका रेट है 358 रुपीज़। इस शेयर को आप स्टडी करके इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हैं, जो कि आज मार्केट डाउन होने के बावजूद भी इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। और इसका सर्किट लिमिट है ओनली 5% का, तो हो सकता है तो आने वाले दिनों में इसमें नॉन स्टॉप अपर सर्किट भी देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।